ओम शांति। आज 23 मई 2024 है और बाबा ने जैसे ठान लिया है कि हम बच्चों को संपूर्ण बना करके ही ले चलेंगे। कल भी बाबा ने हमें अपनी जांच करने के लिए, फ्लॉलेस बनने के लिए कहा, आज भी बाबा ने मुरली में हमें जांच करने के लिए कहा है। भिन्न भिन्न चैतन्य रत्नों की बाबा ने आज महिमा की है, एक एक रत्न को नमस्ते किया है। तो ऐसे ही फ्लॉलेस बनने के लिए, चैतन्य रतन बनने के लिए और क्या जांच करनी है और क्या आचरण में धारण करना है, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते हो तो धोखा खाने की निशानी है दुख की लहर। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो ज़रूर कहाँ धोखा खाया है। तो चेक करो कि किस बात में धोखा मिला, क्यों दुख की लहर आई। सुखदाता के बच्चे हो तो स्वप्न भी सुख के आए, खुशी के, सेवा के, मिलन मनाने के स्वप्न आए। संस्कार भी बदल गए तो स्वप्न भी बदल गए। आज बाबा ने हमें जैसे मुरली में जांच करने के लिए कहा, ऐसे ही बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी एक पैरामीटर बता रहे हैं, एक बता रहे हैं कि अगर हमारे स्वप्न भी बदल जाएं तब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर सच में परिवर्तन पूरी तरह से आ गया है। तो आज बाबा ने हम आत्माओं को कहा कि चेक करो कि आपके स्वप्न कैसे हैं। स्वप्न में अगर कोई दुख की लहर है, इसका मतलब मन के किसी कोने में, चित्त में कहीं ना कहीं किसी बात के दुख का प्रभाव है। जब हमारे अंदर से संस्कार बदल चुके हैं, स्मृतियाँ बदल चुकी हैं, तो फिर स्वप्न भी बदल जाएंगे। और बाबा ने आज ये भी कहा कि अगर दुख की लहर स्वप्न में भी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने माया से कोई ना कोई प्रकार का धोखा खाया है। और माया से धोखा खाने वाले अर्थात अभी तक भी हमारी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति उतनी नहीं है जितनी संपूर्णता के स्तर पर होनी चाहिए। अर्थात अभी भी हम फ्लॉलेस नहीं बने, अभी भी हम दुनिया के सामने वो चमकने वाला रत्न, हीरा नहीं बने। चमकने वाले रत्नों की ही पूजा होती है, संपूर्ण मूर्तियों की ही पूजा होती है। थोड़ा सा भी अगर किसी में कोई खोट हो जाता है तो उस मूर्ति को मंदिर के बाहर रख देते हैं, कहीं चौराहे या तिवाटे पर। तो इसलिए अगर हमें भी संपूर्ण बनना है तो उसके लिए हमें अंदर से फ्लॉलेस बनना है। तो बाबा ने कहा कि पहले तो अपनी जांच करें, स्वप्न की जांच करें, और दुख की लहर अगर आ रही है तो ये समझ जाएं कि माया से धोखा खा रहे हैं। और अब अगर हमने ये परख लिया तो माया से धोखा क्यों खा रहे हैं, उस बात को भी हमें समझना है और उस बात का निवारण करना है। वास्तव में माया से धोखा खाने का मतलब है अभी भी कहीं ना कहीं हम माया से कुछ ले रहे हैं, क्योंकि माया जब देती है उसी में धोखा समाया होता है। ऊपर ऊपर से दिखाएगी सुख लेकिन अंदर धोखा होगा, कहीं ना कहीं दुख होगा। ऊपर ऊपर से दिखाएगी विजय लेकिन अंदर ही अंदर उसमें हार होगी। ऊपर ऊपर से दिखाएगा सम्मान लेकिन अंदर उसमें होगा अभिमान। तो जितना जितना हम अपने नेचुरल स्वरूप को इमर्ज करते जाएंगे, उससे अपने आचरण में लाते जाएंगे, बाबा से हम सर्व गुण अपने अंदर भरते जाएंगे, तो माया से लेना बंद हो जाएगा। जब माया से लेना बंद हो जाएगा तो माया हमें किसी भी रूप में धोखा दे ही नहीं सकती। इसलिए माया से बचने का एक सरल तरीका है, माया से लेना बंद कर दें। ओम शांति।